आज किसान सम्मेलन हो रहा है, खड़के साहब आ रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं रैली को? 2000 यूनिट फ्री पूरे देश में एग्जाम्पल है, किसानों का बिल जीरो हो गया है। एक किसान परिवार को, राजस्थान के रहने वाले किसान परिवार को वो लाभार्थी है, हर महीने 4 से 5 हजार रुपए का फायदा है। ऐसा समय था जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तब ऐसा समय था कि गरीब आदमी, किसान आदमी, उसको 1500-2000 रुपए उसके बिजली पानी में लग जाते, 2-2500 रुपए बच्चों के एजुकेशन में लग जाते, 2-2500 रुपए बिजली के खेत के बिल में लग जाते और 2-2500 रुपए दवा पानी में लग जाते, तो रसोई का खर्च गड़बड़ा जाता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न केवल बिजली, खेत की बिजली फ्री की, बच्चों की पढ़ाई फ्री की, दवाई फ्री की, चिरंजीवी योजना लागू की और हर घर में पेंशन स्कीम लागू की, तो आज एक परिवार जो गांव में रहता है उसको 2 से 3 हजार रुपए पेंशन मिल रही है, 2.5 हजार रुपए का बिजली का बिल खेत का माफ हो रहा है, 1000-1200 रुपए उसके घर के बिजली पानी के माफ हो रहे हैं और हेल्थ की स्कीम का फायदा दिया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार अगर राजस्थान के अंदर किसानों के बारे में किसी ने सोचा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोचा। एक महंगाई का मुद्दा भी बड़ा है, सिलेंडर 500 रुपये में दिया गया लेकिन केंद्र ने 200 रुपये माफ करके उसको एक जुमला करार दिया। केंद्र के तो जुमले ही जुमले हैं, बातें ही बातें हैं, बातों पे राजनीति नहीं होती है, राजनीति मुद्दों पे होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी की भावनाओं को टच किया और न केवल टच किया बल्कि आम आदमी को फायदा देने की कोशिश की। तो ये आज की रैली इस बात को बताती है कि अगर राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में कोई सरकार किसानों के बारे में सोचती है तो वो कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान में काम किए प्रभावी कदम, वो कदमों का नतीजा है कि राजस्थान में, राजस्थान के जो मुद्दे हमने लागू किए वो जब हमने कर्नाटक के मैनिफेस्टो में शामिल किए, हिमाचल के मैनिफेस्टो में शामिल किए, तो वहाँ भी सरकारें बनाई। और राजस्थान वो स्टेट है, वो मॉडल स्टेट है जहाँ ये स्कीमें लागू हुई, तो फिर से जब यहाँ के मुद्दों पे दूसरे राज्यों में सरकार बन सकती है तो यहाँ वो मुद्दे लागू किए गए हैं, फिर से सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस ही किसान है, किसान ही कांग्रेस है। किसान इस देश ने, दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी किसी शरीर की टूट जाती है तो शरीर पैरालाइज हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस तरह सब्ज बाग दिखा के झूठे वादे किए कि 2022 तक डबल इनकम कर देंगे, किसान की जमीन का जो राहुल गांधी जी बिल लेकर आए उस बिल को तोड़ने का काम किया इन लोगों ने, महंगाई को कम करने के लिए वादे किए, बेरोजगार लड़कों को प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादे किए, उन तमाम चीज़ों को मैनिफेस्टो में ये लिखा है इन्होंने कि किस तरह एमआरपी रेट होती किसान की, जो समर्थन मूल्य स्पॉट प्राइस दौड़ दौड़ के कहा इन्होंने कि आपको हम बताते हैं समर्थन मूल्य क्या होता है, और आज समर्थन मूल्य के लिए हजारों किसानों की जान चली गई। इस देश के नागरिकों को सब तरह के अधिकार बाबा साहब दिए स्वतंत्रता के, लेकिन किसान को पाकिस्तान की तरह समझा इस भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की जिसमें तमाम चीज़ें निकल के आई हर वर्ग की, उस चीज़ को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने धरातल पर उतारने का काम किया, महंगाई में राहत देने का काम किया। उसी तर्ज पर कि पशुपालकों को 5 रुपये लीटर अनुदान के देने का काम किया, इसी तरह ऋण माफ़ी के जो हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक थे उन तमाम का माफ़ करने का काम किया, बिना ब्याज रुपए देने का काम शुरुआत करवाई। तो इन चीज़ों की आज जो पैगाम आम जनता तक पहुंचा, इसी की बदौलत आज ये रैली जो लोग दौड़कर उमड़कर आ रहे हैं, और इसके साक्षी हमारे जन कामधेनु योजना की शुरुआत जो होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक गांव से गरीब आदमी जहां सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कुर्सी थी देश में आज़ादी, त्याग, तपस्या, बलिदान की, उस कुर्सी तक उनका सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम पलक पावड़े बिछाकर भीलवाड़ा की जनता, राजस्थान की जनता खड़ी है कि एक दिशा दिखा रहा है राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को कि किसान को मजबूत करो।
तो बेरोजगारी खत्म होगी। किसान को मजबूत करो तो उद्योग धंधे चलेंगे, किसान को मजबूत करो तो दुकानदार व्यापारी चलेगा, मंडियां चलेगी। इसलिए किसान को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती, ये दिशा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने बजट में किसान बजट अलग देके किया। पहली बार इतनी सब्सिडी के रूप में ताकि किसान की बिजली फ्री की, इसी तरह किसान के लिए हर घर में अन्नपूर्णा फूड पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसी तरह पेंशन को डबल करने का काम किया। 2030 में राजस्थान किस रूप में देश दुनिया में एक नंबर आए, हम तमाम पेंशन होंगे, ये हमारा विजन है मुख्यमंत्री जी। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि 10 दिन में जो कांग्रेस सरकार बनी कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में किसान नाम की चीज को इससे घृणा है, भारतीय जनता पार्टी को, उनको पता ही नहीं है। सरकार बनते ही 10 दिन भी नहीं लगाए मुख्यमंत्री, जितना कर्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी पीएलडी बैंकों का था सारा का माफ किया। वो कर्जा माफ हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, उनका माफ नहीं हुआ। वन टाइम सेटलमेंट के लिए राजस्थान सरकार है कि एक मुंह समझौते का जो पैसा किसान को जमा कराना होता है नेशनलाइज राजस्थान सरकार, उसकी परमिशन भी भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। वही झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो, ये काम करती आई है। एक एआरसीपी का बड़ा मुद्दा, पूर्वी राजस्थान के तमाम किसान लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि एआरसीपी लागू हो। किस लेवल पे सर एआरसीपी अभी अटकी हुई है, क्या करें? खुद वसुंधरा जी जब चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने इसकी घोषणा की है, उसी बात को प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब जब पधारे उन्होंने उस चीज़ की घोषणा की, लेकिन उन्होंने एक पैसा बजट का नहीं। खड़गे साहब यहाँ पधारेंगे, किस तरह से देख सकते किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ किया? किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया, इतिहास में पहली बार किसानों का अलग से बजट पेश किया गया विधानसभा में, और जितनी अनुदान की योजनाएं थी उनको नीचे धरातल पर लाने का काम किया, चाहे फार्म पोंड हो, डिग्गी हो, तारबंदी हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, और आज मुख्यमंत्री कामधेनु पशुधन बीमा योजना लागू हो रही है, लंपी के अंदर अच्छी व्यवस्था की, गोवंश को बचाने का काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत पिछले 4.5 साल में 23,700 करोड़ का फसल बीमा दिया गया किसानों को, ये कम बात नहीं है। कृषि के क्षेत्र में 49 कृषि महाविद्यालय खोले गए, वेटनरी यूनिवर्सिटी खोली गई जयपुर के अंदर, 9 पशु महाविद्यालय खोले गए, एलएसए की भर्ती की गई, पशु उपकेंद्र खोले गए, 5 रुपये दूध में प्रति लीटर का अनुदान दिया गया, महंगाई के ज़माने में जब चारा महंगा हो गया, तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार। आप मुख्यमंत्री जी की भावना समझिए कि जब विधानसभा के पटल पर कृषि का अलग से बजट पेश किया गया, उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा किसान को और पशुपालक को ताकत देने की थी, उनको आगे बढ़ाने की थी। सर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि किसानों का कर्जा भी माफ नहीं हुआ। बीजेपी आरोप लगाती रहेगी, उनका काम केवल आरोप लगाना है। किसानों को सब कुछ पता है, केंद्रीय बैंकों को छोड़कर सारा कर्जा माफी हुई है, और जब हमारे राहुल गांधी ने घोषणा की थी उसके 10 दिन के अंदर अंदर भी ये काम हो गया था। सर, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा भी लगातार जारी है, लगातार केंद्रीय मंत्री को आना शुरू हो गया, किस तरह से देखते हैं सर? कुछ नहीं मिलने वाला। राजस्थान में कांग्रेस का परचम पहरेगा, आम जनता इस बात को जानती है कि आम आदमी के सुख दुख में भागीदारी, और जो योजनाएं धरातल पर मुख्यमंत्री जी ने लागू की है उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। राजस्थान का हर वर्ग, हर जाति धर्म का आदमी, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, शिक्षा के क्षेत्र का मामला हो, सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है और राजस्थान आगे बढ़ा है। आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे पूरे भारत देश में, राजस्थान ने इस बार सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना है, एक एक योजना, ऐसी योजना आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे आप देखें ओल्ड पेंशन, तो ओल्ड पेंशन का कहीं नहीं है। ये एक नया आयाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में लाकर के युवा के भविष्य जो सिक्योर करा, ऐसा कहीं नहीं है। और ओल्ड पेंशन के साथ साथ आरजीएचएस भी लाए, तो ये ऐतिहासिक फैसले। कामधेनु योजना किसानों के लिए वो जो अपनी एक लंबी बीमारी आई थी उसके बाद में, कि जिसके गाय और अब तो भैंस का भी कर दिया भाई, 2 पशुओं तक बीमा कर रहे हैं, तो ये किसान को राहत देने वाला सबसे बड़ा एक नया आयाम स्थापित करना है। ऐसी योजना कहीं नहीं है।
कामधेनु गाय का नाम सुना होगा, गायों को धर्म से जोड़ती है बीजेपी, लेकिन गायों का अगर मानदेय बढ़ाने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, तो उस कामधेनु शब्द को साकार करने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। और जो चिरंजीवी योजना है, ऐसा पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है। चिरंजीवी योजना भी एक ऐसा उदाहरण है कि एक आम आदमी को, उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं, गांव का, दूर का, ढाणी का, कस्बे का, शहर का, बड़े शहर का आदमी भी मात्र 850 रुपये में चिरंजीवी योजना का लाभ उठा सकता है। और दुर्घटना बीमा चिरंजीवी वो उससे भी बड़ा है कि एक विधवा औरत या बूढ़े माँ बाप के पास जब कोई सहारा नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 से 10 लाख रुपए तक उसको देने का, राहत देने का काम किया, सीधे उसके खाते में जाते हैं। कोरोना में जिनके माता पिता नहीं है, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दीपावली उनके साथ मनाई और एक जने को सरकारी नौकरी और बेटी 18 साल की होते ही 5 लाख रुपए डालने का उसके खाते में काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पालनहार में 1500 कर दिए, वृद्धावस्था पेंशन 1000 कर दी, 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट घरों की कर दी, बालिकाओं को शिक्षा फ्री, ड्रेस फ्री, स्कूटी योजना, कालीबाई भील योजना, देवनारायण योजना, मतलब बच्चियों के लिए उड़ान योजना, ऐसी एक एक योजना लाकर के जो नया आयाम स्थापित करने का काम किया है वो एक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में किया है। अब बीजेपी के पास क्या कोई मुद्दा बचा नहीं है? अब मुद्दा नहीं बचा है तो वो धर्म के नाम पर नए नए आयाम करेंगे, कैसा भाषण देंगे, सब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस धर्म को इसमें बांटो, उसको उसमें। अब आप सोचिए कि भारत और इंडिया, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने स्किल डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ही चलाई थी, तो वो क्या इंडिया नहीं है क्या? वही भारत है हमारा, वही देश है। तो ये भारत भूमि पवित्र और हमारी सभी धर्मों की एक जड़ के रूप में स्थापित की हुई भारत भूमि है, और हर धर्म सर झुकाना ही सिखाता है। तो सर्वधर्म धर्म निरपेक्ष भारत हमारा देश है, उसको धर्म के नाम पे बांटकर, जाति के नाम पे बांटकर झगड़े करवाना, बांटना, तो ये एक आप देखेंगे कि बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। अगर भारत सरकार की जो ये पूछते हैं ना 70 साल में, अरे ऐतिहासिक, आप एक काम बता दीजिए, जब जब किसान की बात आई है तो हमेशा आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय भी लिए हैं, योजनाएं भी बनाई हैं। जब महंगाई राहत कैंप था तब भी जो लंपी से ग्रसित पशु थे तो उसको भी हमने बीमा दिया था, और आज भी अब हम एक जनरल बीमा जो है गाय और भैंस के लिए आज सरकार बताने वाली है जनता को। इसके साथ साथ बीजेपी के समय में आपको ध्यान होगा ये योजना बंद कर दी गई थी, 5 रुपये प्रति लीटर जो बोनस था दूध पर, तो वो कांग्रेस ने ही अपने समय में पहले भी शुरू किया था, और 2018 में भी कांग्रेस ने आने के बाद इसको फिर से शुरू किया, बल्कि बीजेपी ने बंद कर दिया था। 2000 यूनिट जो है बिजली वो हमारे किसानों के लिए निःशुल्क है, और आज भी आप देखेंगे गोबर गैस प्लांट को लेकर भी जो है शिलान्यास हो रहा है। बहुत ऐसी अन्य योजनाएं हैं जो हमेशा कांग्रेस ने आगे बढ़कर किसानों के लिए की है, और हम कोई किसानों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता जितना मजबूत होगा देश का एक्सपोर्ट उतना मजबूत होगा, और देश का एक्सपोर्ट मजबूत होगा, देश की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, तो निश्चित रूप से देश भी आगे प्रगति करेगा। तो जिस तरीके से बीजेपी किसानों को देखती है और जिस तरीके से कांग्रेस किसानों को देखती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमने कर्जा माफ़ी भी करी, कोऑपरेटिव बैंक्स का सारा, तो अंतर है सोच का। बीजेपी ने तो सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया था किसानों को एक साल तक, जब दिल्ली की सड़कों पर उनको आकर बॉर्डर पे बैठना पड़ा अपने हकों के लिए, वो काले कानूनों के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर कांग्रेस की सोच है और कहाँ जाकर बीजेपी की सोच है। भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली, लगातार केंद्र के तमाम जो बड़े नेता हैं वो राजस्थान में आ रहे हैं, लगातार कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि कर्जा जैसी माफी चीज है वो बिल्कुल कांग्रेस ने नहीं की, उसको लेकर नहीं, बिल्कुल झूठ है। कोऑपरेटिव बैंक्स के जितने भी लोन थे वो सब ऋण माफ हुए हैं किसानों के, जो नेशनल बैंक में थोड़े बहुत रह गए थे उस पर लगातार मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी कि हम वन टाइम सेटलमेंट करने को तैयार हैं। लेकिन जैसे बीजेपी ERCP पे आंखों में धूल झोंक रही है, वैसे ही ये जो नेशनल बैंक्स के जो कर्ज है उसके ऊपर वो आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। लेकिन जिन लाखों किसानों को इससे फ़ायदा हुआ जब सरकार ने कर्ज माफ़ किया उनका,
तो वो किसान जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है कि कांग्रेस ने उनके लिए काम किया है। बीजेपी का तो काम है आरोप प्रत्यारोप करना, वो विपक्ष में उनको कुछ तो बोलना है। अब उनके पास बोलने के लिए हमने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है, तो वो एक मुद्दे को ट्विस्ट करके लोगों को प्रस्तुत करते हैं। पर देश की जनता बीजेपी की चाल चरित्र चेहरा समझती है, वो जानते हैं कि जब जब बीजेपी बोलती है झूठ बोलती है, जब जब बीजेपी बोलती है ट्विस्ट करके बोलती है। तो तथ्य सामने है और तथ्य झूठ नहीं बोलते हैं। तो क्या मैम, जो कांग्रेस की जितनी भी योजना है उनके माध्यम से आम जनता तक जाया जाएगा, उनसे वोट मांगे जाएंगे, ये कुछ? देखिए, पूरा कैंपेन तैयार है और कैंपेन के अंतर्गत ही हम लोग सभी योजनाओं को घर घर लेके जाएंगे। योजनाएं घर घर तक पहुंच गई हैं, ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डोर स्टेप सर्विसेज दी हैं और सभी योजनाएं जो हैं वो लोगों के घरों तक पहुंची है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये काम है कि उनको उन सभी लाभार्थियों के घरों पर जाना है, उनका हालचाल पूछना है, उनके साथ बैठ के चाय पीना है और आने वाले 5 साल में कांग्रेस ने क्या करना चाहिए उस पर सुझाव मांगना है। ये कांग्रेस का इस समय काम है।